दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अलर्ट मोड में केंद्र सरकार, पीएम मोदी आज खुद करेंगे समीक्षा बैठक। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BA.7 की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 3 केस मिले हैं। फिलहाल BA.7 के तीनों मरीजों की तबियत ठीक है। कोविड पर पीएम की बैठक पर सभी विपक्षी दलों ने मांग की, कहा चीन से हवाई सेवा जल्द बंद हो। कोरोना को लेकर के दिल्ली सरकार अलर्ट, आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा। कोविड को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक, राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा जारी है, बैठक में टीम 9 भी मौजूद। यूपी में कोविड को लेकर अलर्ट, सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश, एयरपोर्ट पर संक्रमण प्रभावित देशों से लौट रहे यात्रियों की होगी जांच। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोरोना केस को लेकर के महाराष्ट्र सरकार अलर्ट है, आज 3 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे खास बैठक। दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद अलर्ट पर केंद्र सरकार, एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच शुरू, जल्द जारी होगी नई गाइडलाइन। कोविड की तैयारियों पर बोले यूपी स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर सिंह, कहा COVID-19 से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है, प्रदेश में सभी अधिकारियों और अस्पतालों को किया गया अलर्ट। चीन के अस्पतालों में बढ़ी कोविड के मरीजों की तादाद, अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी। चीन में COVID-19 को लेकर WHO प्रमुख ने जताई चिंता, कहा वैक्सीनेशन रेट में कमी होने की वजह से बड़ी आबादी को संक्रमण का खतरा। चीन ने तेज किया कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, शंघाई में 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को दी जा रही है बूस्टर डोज। चीन में रह रहे जर्मन नागरिकों के लिए जर्मनी से भेजी गई कोविड वैक्सीन, जर्मन नागरिकों को BioNTech फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। चीन में पाबंदियों के हटते ही तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, कोरोना से चीन के कई इलाकों में मचा हाहाकार, चीन के अस्पतालों में अभी बेड भरे हुए हैं सारे और मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो रही हैं। बढ़ते संक्रमण के बाद टेस्टिंग सेंटर के बाहर लगी लोगों की भीड़, टेस्ट के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार, चीन में 7 दिन में 15,548 केस और 7 मौतें दर्ज। चीन में फैल रहा BA.7 ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट, पहले संक्रमित हो चुके हैं लोग, फुली वैक्सीनेटेड लोगों को बना रहा है बीमार, BA.7 जल्दी संक्रमित करता है और लक्षण भी पुराने कोरोना वेरिएंट के मुकाबले जल्दी सामने आ जाते हैं। बढ़ते संक्रमण की वजह से बीजिंग के कई इलाकों में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, लोग बाहर निकलने से कतरा रहे, स्कूल और चाइल्ड केयर सेंटर को किया गया बंद। चीन में कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा, एम्बुलेंस के लिए लगातार आ रहे हैं कॉल, अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को नहीं मिल रही जगह। बीजिंग समेत चीन के कई बड़े शहरों में दवाइयों के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, घंटों कतार में लग करके लोग ले रहे हैं दवाइयां, वायरल वीडियो में मेडिकल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से अस्पताल में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या, अस्पताल में हो रही है बेड की कमी, जमीन पर मरीजों का किया जा रहा है इलाज। कोरोना संक्रमण के डर से लोग प्रोटेक्टिव बबल पहन कर रहे हैं शॉपिंग, मॉल और दुकानों के बाहर शॉपिंग के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। चीन में तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो, वीडियो में फल के लिए लोगों के बीच हो रही है मारामारी, टोकरियों में दिख रहे हैं नींबू और संतरे। कोरोना के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हटाने के बाद तेजी से बढ़े केस, लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद चीन में कोरोना नियमों में दी गई थी ढील। कोरोना केस बढ़ने से बिजनेस पड़े ठप, सबसे ज्यादा फूड डिलीवरी व्यवसाय हुआ प्रभावित। BA.7 वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को कर सकता है संक्रमित, इसी कारण चीन में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।